जब चाहते हैं मार्केट उठा देते हैं और जब चाहते हैं मार्केट गिरा देते हैं। जानू खूबसूरत बैठ जाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? नबील तो मुझे जमीन पे पैर नहीं रखने देता, बहुत चाहता है मुझे। वैसे मुझे हम जहेज पे ना लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं जहेज पे, बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन आपने चूंकि इसरार इतना किया तो वो फिर ये मैंने ना अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जी। ये मेरी तरफ से। ओह जी, और ये मेरी छोटी सी मासूम सी लिस्ट। ज्यादा नहीं है जी, बस ऐसे कुछ 8-5 करोड़ की चीज है। लाओ बेटा शेरी, तुम भी अपनी लिस्ट दे दो। कौन सी लिस्ट? वो शेरी की भी तो कुछ डिमांड्स है ना। वोशे, तुझे हम अपना कमाऊ पूत दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस 1 करोड़ हक महर और इस घर के कागजात। क्या? मैं हरगिज 1 करोड़ रुपया नहीं दूंगा हक महर का। हाँ मैं मुसाब, मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा हक महर का। सच? चलो फिर जल्दी से निकाह करते हैं। मैं अभी काजी को बुलवाता हूँ। अरे भाई दुल्हन को जरा तैयार तो हो जाने दो। नहीं जी, तैयारी की क्या जरूरत है, वो गुलाबी फूलों वाला बड़ा पुराना हार वो हम अकील के गले में डाल देंगे, तो ये बच्ची के ऊपर वो पुराना हमारा लाल रंग का दुपट्टा है 12 साल पुराना लीरो लीर, तो वो इस बच्ची पे डाल देंगे, हो गया बस। अरे मुबारक हो आपको शेरे वालिया। ये बता खूबसूरत कि तू भागी किसके साथ थी बच्चू? किसी के साथ भी नहीं। ले तुझे अकेले भागना था तो मुझे साथ ले जाती, मेरी कुछ जंगिंग हो जाती। अरे छोड़ो तुम, अच्छा हुआ है खूबसूरत तुम घर वापस आ गई हो, तुम्हारे बगैर ना घर सूना सूना लग रहा था। ओ, मुझे देख सूख के कांटा हो गई हूँ तेरी याद में, और कसम से खाने पीने से तो मेरा दिल ही उठ गया। जानू देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया। नबील ये गुलाब नहीं है, गुलाब की पत्तियां है यार, ये कौन से कब्रिस्तान से लेकर आए हो तुम? जानू वो जो लुकमान साहब है ना हमारे हमसाए, उनका बच्चा जा रहा था अपनी दादी की कब्र पे डालने के लिए, मैंने 30 का लिफाफा 50 में लिया तुम्हारे लिए सिर्फ। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना तुमने जानू, बेयारो मददगार। जानू अगर तुम्हें जाना भी पड़े तो राशन डलवा के जाना है, तुम्हारे जाने के बाद मैं और महमूसा पूरे मोहल्ले में रुसवा हुए हैं उधार मांग मांग के। हाँ मैं गारंटी लेती हूँ नदीम की। कौन नदीम? मेरा पुत्र और कौन, आज के बाद किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा महमूद। अरे महमूद मेरा नाम है भाई, नबील का नाम लो। तो आप भी नहीं उठा के देखेंगे आंख किसी लड़की को, तो खाएं कसम। अच्छा भाई, खाएं कसम। कसम? मैं भी पापा जी की कसम खाता हूँ जानू, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरे पापा की झूठी कसम मत खाओ नबील। जानू फिर मैं महमूद साहब के मुँह की कसम खाता हूँ। ठीक है फिर मैं मान जाती हूँ। काजी साहब बस आते होंगे, हमने सैलरी पर रखा हुआ है, बुलबुले के परमानेंट काजी हैं। वाह जी वाह, हमारे देने के लिए पैसे नहीं है, छुप छुप के बड़ी शादियाँ हो रही हैं सही। और मेरे भी राशन के पूरे 10,000 रुपए हैं इनके पास। हाँ ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने इनके पैसे देने हैं? हाँ मेरे भी दूध के 3,000 रुपए और घर का 6 महीने का किराया भी है। ये सब क्या है नबील, आप तो करोड़पति है और ये घर भी तो आपका अपना है। और ये घर भी किराए का है, इसका किराया इसके ससुर देते हैं, और ये नालायक और निकम्मा तो खुद घर दामाद था बस। अरे खामड़, इतनी तफसील क्यों दे रहा है भाई? भाई भाई बड़ी माजरत के साथ आप सबको इंतजार करना पड़ा, मैं जरा गटर में गिर गया था तो मुझे घर जाके नहा धो के वापस आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये दोनों खावतीन, इस लड़की का तो मैंने 2 महीने पहले अली इमरान के साथ निकाह पढ़ाया था, ये उसका रातों रात सारा रुपया और जेवर लेके फरार हो गई थी। क्या शेरी, ये भी हमारी तरफ फ्रॉडी ही निकले हैं, वरना इस बार तो मैं तुम्हारी पक्की शादी करवाने वाली थी। ये तेरी बेटी है? हाँ, सोचा था कि तुम लोग खानदानी रईस हो और मेरी शेरी ना यहाँ खुश रहेगी, लेकिन तुम लोग हमारी तरफ फ्रॉडी निकले। चल शेरी। अब मुझे लग रहा है कि निकाह तो होगा नहीं, कम से कम मेरे आने जाने का किराया तो दे दो, रक्षा बाहर खड़ा है। अब वापसी तू कुत्ता करा के जा। और तुम्हारा पैसा गया बाहर में, और पहले हमारे पैसे निकालो, पकड़ो इसे। चलो चौकीदार दरवाजा खोलो। अरे तो तुम भी तो माली हो, चलो तुम भी साथ चलो। कोई काम मेरे बगैर न कीजिएगा। चलो, चलो। आए 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 आए। आज वो महमूद साहब आप पीछे हट जाए, मैं बात करूंगा। क्यों, मेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं बात करूंगा। हाँ भाई मुझसे बात करो। महमूद साहब, हाँ नुहान प्यारा,
आप कर ले बात। नबील मेरी तो याददाश्त पता नहीं कहीं गुम हो गई है, मेरा ख्याल है तुम ही बात कर लो। अरे भाई मैं बात कर लेती हूँ, वो हम ना आज ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुए और हमारा सामान ना अभी तक ट्रक से पहुँचा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पड़ोसियों से बात करके देखें, हमें भी पता चले कि आखिर हमारे पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं। देखिए हम लोग बहुत ही शरीफ और नेक लोग हैं, बड़े खानदानी रईस, बहुत अरसे से रह रहे हैं हम इस घर में। आप बड़े ही मुतमईन अंदाज में अपनी बेटी को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है ना बहुत शरीफों का है, कोई से कुछ नहीं कहेगा। बेटी? कौन सी बेटी? ये मेरी बीवी है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम हनीमून पर हैं। जी बेबी, हमारी असल में ना लव मैरिज हुई है। देखा नबील, मैं कहता था ना कि लड़कियों को मैच्योर मर्द पसंद है। लेकिन मैं मुसाब इतने मैच्योर, ये जरा ज्यादा ही है। सुनिए आप लोग हमें अंदर आने को नहीं कहेंगे? वो असल में मेरे जानू ना ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, इनकी टांगों में ना दर्द शुरू हो जाता है। आप आइए अंदर, आइए 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 आइए। मैं लेके चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। मैं लेके चलता हूँ। ये देखे मारी, ये देखे, ये क्या है? माशाल्लाह मेरे पुत्र को तनख्वाह मिल गई। ला मेरा पुत्र अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथ पे रख। ओ माँ जी, आपका बेटा आज से करोड़पति बिजनेसमैन है जो लाखों में खेलता है। शाबाश, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। ऐसा हमने खूबसूरत की कजन को कहना है। ओ यार महमूद साहब, खूबसूरत की कजन आ रही है, खूबसूरत तरीन, उसके सामने मुझे एक आइडियल शौहर बनना है जो अपनी बीवी से बेतहाशा प्यार करता है। अरे ऐसा कोई शौहर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। मेरे अलावा फिर ठीक है। ओ भाई मुझे कौन सा आइडियल शौहर बनना है यार, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जिसके लिए खूबसूरत ने मुझे 5,000 रुपया दिए। ले 5,000 में तो मैं बन जाती हूँ उस खूबसूरत का शौहर। मुझे तो मेरी है बस दाढ़ी लगाने की जरा जरूरत पड़ेगी, नकली वाली। ओ यार आप उसकी सास हैं, आप आइडियल सास बन के दिखाइएगा, और महमूद साहब आइडियल ससुर, मैं आप लोगों को भी 2,000 दिलवाऊंगा। वो क्यों भाई, खुद तो तुमने पूरे 5,000 रुपए लिए हैं। क्योंकि आइडियल शौहर बनना मुश्किल और इसकी काम है महमूद साहब। 2,000 मिल रहे हैं ना, खुशी खुशी ले ले, और खूबसूरत की कजन के सामने परफेक्ट जो है ना वो ससुराल बन के दिखाएं। वो जो हम उसे बन कर दिखाएंगे वो परफेक्ट ससुराल होगा। हाँ जी, ला पुत्र निकाल फिर 2,000 रुपये। ओ माँ जी वो तो खूबसूरत देखना, चले आए मैं दिलवाता हूँ। आइए क्या हाल है, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं भी चुटी चुठी चुठी नहीं है मेरी बहू, ये सच कह रही है, तुझे बड़ा याद कर रही थी, दिन रात रो रो के धाड़े मार मार के, फरजाना ते माई फरजाना। लेकिन मैं तो फरजाना नहीं हूँ, मैं खूबसूरत तरीन हूँ, खूबसूरत की छोटी बहन। पता है जब खूबसूरत पैदा हुई थी ना तो इसके पेरेंट्स ने इसका नाम खूबसूरत रख दिया था, और जब मैं पैदा हुई तो मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम खूबसूरत तरीन रख दिया। ये मेरे सास ससुर बहुत अच्छे शरीफ नेक लोग हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। जानू खूबसूरत बैठ जाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो, इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हारे पाँव में दर्द हो जाएगा, बैठ जाओ। नबील तू मुझे जमीन पे पैर नहीं रखने देता, बहुत चाहता है मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहू रानी तेरा गलत बात हूँ, इसका मतलब है सर सर। नहीं माँ जी आप सिर्फ खाना लगा दे प्लीज। खूबसूरत तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? वो एक्चुअली हमने सारे मुलाजमों को ना मालदी भेजा हुआ है वेकेशन के लिए, अपना प्राइवेट जेट है मेरे पास, उसमें भेजा है, मैंने कहा जाओ वेकेशन करो। नबील बहुत रहम दिल है, 2 दिन तक आ जाएगा हमारा स्टाफ। इसका मतलब है उतने दिन तक तुम घर के सारे काम खुद करोगी? वेरी सैड खूबसूरत। अरे क्यों भाई, हमारे होते हुए खूबसूरत क्यों करेगी काम भाई, हम हैं ना। क्यों मोमो, घर के काम करने के ना एक्स्ट्रा 2,000 लोगी। माजी माजी आइए ना, हम लोग खाना लगाते हैं। आइए माजी, आइए माजी, आजो आजो, आप लोग बैठे, आजो बैठो ना। फ्लाइट कैसी थी? आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। ये मेरी बेटी नहीं, बीवी है। ओ शाबाश, जरूर इस बुढ़े को कैंसर होगा, इसके मरने के बाद तुझे तो बड़ा माल मिलने वाला होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्यों जानू बताए ना इन्हें। जानू अभी मुझसे इतना प्यार करती है
कि ये तीन बार मेरी खातिर नब्ज काट चुकी है। तीन बार नब्ज काट चुकी है? जानू तुम्हें कम से कम एक बार तो मेरे लिए अपनी नब्ज काटनी चाहिए ना। शट अप नबील। आउट ओके जानू। भाई मेरा और बबली का प्यार तो मिसाली है, इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच रही है, वरना मैं कई सालों से अमरीका में रह रहा था। मेरी बीवी के मरने के बाद और बच्चों की शादी के बाद मैं अकेला रह गया, और मेरा वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस था और कितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब बेचकर मैं इसकी खातिर यहाँ चला आया हूँ। और वैसे आप लोग क्या करते हैं यहाँ? मेरे मसूद ना जान लेवा डांस करते हैं। तुम्हारी लेवा? हाँ मेरे मसूद ना लेवा डांस करते हैं, मगर अकेले में करते हैं, सबके सामने न वो आ जाती है। अरे मोमो तुम तो चुप करो यार, जो मुंह में आता है बोलती जाती हो। मेरा जी शेयर्स का काम है, हम जब चाहते हैं मार्केट उठा देते हैं और जब चाहते हैं मार्केट गिरा देते हैं। मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है बिटकॉइन में। मैंने पिछले दिनों ट्वीट किया था, देखा आपने कैसे तहलका मच किया था। वो ट्वीट तो इलोन मस्क ने किया था। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, पहले मैंने किया था, उसने मुझे कॉपी किया है यार, नकल करता है मेरी वो। आप भी अपने चिटकॉइन का बताएं ना शहजाद। अरे मैं ये बिटकॉइन में नहीं बिट रुपीज में डील करता हूँ, कॉइन से मेरा क्या होना है भाई। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया। नबील तुम ऐसा करो, इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं चाय पानी का बंदोबस्त कर। चलिए ना हमारे आलीशान ड्राइंग रूम में बैठते हैं, सोफे जरा साफ नहीं है। आइए आइए। नबील जरा मेरे साथ किचन में चलें प्लीज। जी जी, आप इधर जाइए। आइए जानू। चलिए जानू, आइए जानू।